तो भाई कई दिन हो लिए, एक नकली नोटों की खेप आई हुई है यहाँ पे, जो चिल्ड्रन बैंक है उसके वाले नोट। और यार उसी देखो कितने ध्यान से गिन रही, जैसे कि ओरिजिनल है ये बिल्कुल। और किसी का इसे पेमेंट करना है। मैंने कह रही दोनों झगड़ो ना, दम मुझ कर लो ही ना। अच्छा ये झगड़ रही है क्या इस पे? तो यह गिन रही कितने मेरे पे कितने। अच्छा बराबर करेगी। मेरे पास सुनो मम्मी, मेरे पे एक छोटे इससे छोटे नोट की गड्डी थी, उसने चिंकी ना कर दिया सारे गए। इसमें मुझे 1 रुपए नहीं मिले, उनने सारे लेके सारों को बांट दिया, इन्होंने सारों ने बैग दिए वे। अच्छा के मेरे भाई नोट तो कुछ नहीं होता, झगड़ा ना करो तुम। क्या है ये कागज है? पैसे पूछे सब नहीं रह जा रहे कागज है। लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो। ये तो वैसे भी कागज है, तेरे को 19 है ना, मेरे पास वैसे भी कागज के हैं, और इनसे सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हो सके, प्यार नहीं दे सकते। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? आ गई सबके समझ में? वो सिर्फ जरूरत पूरी करे, बाकी सारी खुशियाँ आपस का प्रेम कितना है ये नहीं दे सकते। अब माँ के हाथ में आ गया हिसाब किताब, माँ करेगी सही बंटवारा। गिन लें यार, ये तो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे तो भूल जाएगी माँ गिनती। 200 रुपए ले लेगी एक मत है। ये मेरे ही सारे। क्या करना है तुम्हें? और सुबह को उठ के ब्रश करके लूं क्या मैं? पहले टू का टेबल याद करूंगी जब लाऊंगी। बता ये भी नहीं कर सकती है उसे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, और आज बहुत अच्छा लग रहा मुझे बच्चों के साथ भी। नहीं तो बच्चे भी दूर दूर भागते रहते कि मम्मी पता नहीं क्यों लेटी रहती है, क्योंकि उन्हें तो अपनी मौज मस्ती से खेलने से मतलब होता है, लेकिन बीच बीच में नमस्ते भी करते हैं, आके पूछते भी हैं आपकी तबीयत कैसी है। फिर भी मन तो बच्चों वाला ही है ना, दिल तो बच्चा है जी इनका। तो भाई आज दिसंबर का पहला दिन, और ये बहुत अच्छा रहा है रिकवरी के हिसाब से भी, जो फीवर से रिकवरी है और कमजोरी से भी, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा दिन रहा है। बच्चों के साथ में बढ़िया टाइम आज स्पेंड किया है, पूरा फुल एंजॉय। बच्चों ने भी छुट्टी का फ़ायदा उठाया है। तो संडे स्पेशल में आज हमारी जो है घेर में थी सारी एक्टिविटी, वहीं पे गए थे हम 12 बजे के करीब। तो पहले तो हमारे सब्सक्राइबर आ गए थे भाई, तो उनके साथ में बैठे, और उसके बाद में जो है खाना दाना भी वहीं बनाया। तो ताज़ी हरी सब्जियां हार्वेस्ट करके उसी की रेसिपी बनाई, और बच्चों को वहीं पर खाना खिलाया, बच्चों का बड़ों का सबका था। और 12 बजे के बाद में जो है लगे थे, तो टाइम लगा बनाने में 2-3 बज गए थे, 4 बज गए थे। तो भाई देखो एक ही बार खाना बनता है, छोटा दिन होता है, सुबह अपना चाय पानी के नाश्ते के बाद में दोपहर को, और शाम में भी फिर बच्चे बच्चे खाते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो 3-4 बजे खाएंगे तो 5-5:30 बजे जो है सूरज छिप जाता है और फिर अंधेरा होना शुरू, तो लगता है कि अभी खाया था। तो सुबह से ही आज थोड़ा सुकून था, बढ़िया था, और इसे देख के जो है बच्चे भी खुश थे, क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल से आते हुए भी से पूछते थे मम्मी आज फिर लेटी हुई है क्या हो गया, लेकिन आज वे खुश थे देख के सब। आज सबके दिल में एक अलग ही सुकून था कि आज इसका आराम है। आज लगा सबको, देखो होता ही है परिवार में एक मेंबर जो है बीमार पड़ जाए, और जैसे मैं बात नहीं कर पा रही थी, बस लिट्टे लिट्टे रहना हाथ बंद करके, ये था मेरे साथ में, तो आज बढ़िया बेटर फील कर रही, और बाकी सब भी माँ भी खुश है आज तो। तो मैं तो यही सोच रहा था कि भाई इसके जो है ब्लड टेस्ट और करवाऊँ, कहीं कोई कमी पेशी ना हो, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह करवा दूँ इसकी, और लेकिन आज सुबह से देख के कि चलो भाई ठीक हो जाएगा, अब जो है कमजोरी है और ये भी धीरे धीरे दूर हो ही जाएगी, और ये 10 दिन का तो लेता ही है बुखार इसके वाला तो। वैसे भी अभी वायरल का दौर चल रहा है, टाइफाइड और डेंगू चिकनगुनिया ये सब चीज़ों का चल रहा है, बुखार बहुत है। और परसों मैं स्कूल से बीच में लेके आया था उसको, तो भाई इसे हॉस्पिटल में लेके गया तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। बच्चों में भी जो है फीवर बहुत चल रहा है आजकल,
और अब की बार तो एक चीज हो रहा है भाई, देखो ठंडक भी बहुत है, टेम्परेचर काफी डाउन आ गया, लेकिन मच्छर नहीं मर रहे भाई। मच्छर बहुत है अब की बार, मच्छर पूरी तरह से एक्टिव है। हाँ। और नहीं तो इतनी सर्दी में ना मच्छरों का प्रकोप कम हो जाता था, लेकिन अब की बार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल। तो सब अपना ध्यान रखो जी, बच्चों का भी अपना भी, हम भी ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान रखते रखते ही हो गया और इतना ध्यान रख रहे, इतनी खाने पीने की केयर और दवाइयों की केयर सब चीज़ों की। देखो क्या होता है, शादी से पहले कभी भी इंजेक्शन लगवाते डर लग रहा था, लेकिन अब तो मुझे तो ऐसा हो गया कि 7-8 महीने बाद देख ग्लूकोज देख ग्लूकोज। अब इसका मतलब है सीधा सा कि मैं शादी के बाद बीमार होना शुरू हुई हूँ, नहीं तो पहले कभी बीमार नहीं होती थी। ये ब्लेम का डर, सुई का डर। अच्छा, अब देखो आदत लगेगी या तो लगे, बिना तो ठीक नहीं होने की सुई, सारे हाथों की नस देखो कैसी हो जाए। चलो भाई ये भी ठीक है, अब यहाँ पे बीमार हो रही तो सुख मिल जाए तो वो भी इलाज अच्छा भी हो रहा है। और बात चल रही थी मच्छरों की, मच्छर का जो ब्रीड है भाई वो काले वाला मच्छर है, बड़ा बड़ा। हाँ, जो गर्मी मई जून जुलाई के गर्मी मच्छर होते हैं ना, उनका कलर और होता है, अब की बार तो काले मच्छर हैं पूरे, और बड़ा साइज भी है इनका, तगड़े तगड़े हैं, खा पी के कहीं ज्यादा मस्त हो रहेगा एकदम, तो हेल्दी मच्छर है। आज तो हमारे गाँव में दवाई का छिड़काव हुआ, वैसे शाम के टाइम वो मच्छरों वाली दवाई होती है ना, मशीन घूमती रहती है जो धुआं सा छोड़ती है, काफी फर्क पड़े उससे। हाँ। भी कि जहाँ खुली नालियां हैं और वो छिड़काव होता है उसका, धुआं सा निकलता है, काफी मच्छर मरते हैं, तो प्रकोप भी कम ही होगा। हाँ। और मैं कल फास्ट कार्ड भी लाया था भाई, उससे भी काफी फर्क हुआ है ना, ओरिजिनल मिल जाए तो हो जा काम, उनका बंद कमरे में जला दो, तो इससे बचाव सभी करें जैसे भी हो सके। और आज तो भाई मैं सुबह 4:30 बजे उठ के पूजा पाठ करने भी गया था, मगर भाई भगवान जो है ना जल्दी से ठीक कर दी, कभी पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, वैसे मैं इतने जल्दी उठता नहीं कभी, और शाम को लेट हो जाता है ना सोने में, लेकिन रात में 12 बजे लगभग सोया मैं, और मैंने अलार्म लगाया। वैसे उससे पहले भी कई बार मेरी आंखें खुली कि मुझे बिल्कुल टाइम पे पहुंचना और उठना भी टाइम से है, तो मैं 4:30 बजे उठ गया था और मुझे 5 बजे पहुंचना फिर था। सबने कहोगे देखो कितने भाई बढ़िया है सुनील भाई, आंसू कितने अच्छे हैं। नहीं बढ़िया क्या, देखो भाई परेशानी तो अब ये तो बोलता है कि परेशान ना हो, लेकिन परेशानी तो हो गई है किसी भी तरह, और हर संभव कोशिश हर कोई करता है कि भाई किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाए, उसमें चाहे उपाय कुछ भी हो, दवाइयों के अलावा भी बहुत सारे उपाय जो है पूजा पाठ में भी करता है इंसान, तो वही मैं करने गया था और काफ़ी अच्छा मुझे फील भी हुआ, और मुझे लगा कि चलो कुछ आज ये असर हो गया, असर भी हुआ है दिन में, कुछ इन्वॉल्व भी रही है थोड़ा बहुत चलने फिरने में, केयर तक भी गए हैं, वहाँ भी खाना दाना पीना सब कुछ हुआ है फर्क। कल मैं लाइव में जैसे बैठी थी, सबके सामने बैठी थी, ऐसे ही बैठी थी। हाँ। लेकिन मेरे पे उस टाइम बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, कभी इधर को कभी इधर को, फिर बाद में मैंने लास्ट में जब बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना पेन हो गया मेरे पेट में बहुत ज़्यादा, फिर मुझे लेट नहीं पड़ा आपको क्या कह, मगर मेरे पेन हो रहा बहुत ज़्यादा। तो देखो हर चीज़ का फर्क तो पड़ ही है, अब किस चीज़ का कहाँ, और आपकी दुआएं भी तो है, इतने सारा प्यार देते हो, इतनी दुआ मांगते हो, उनका भी तो असर है, दवाई के साथ साथ आपका प्यार है, सपोर्ट है। और यहाँ पे भाई आरुष और आरुषी अपने खेल खिलौने लेके यहीं पे आ गए हैं देखो, और इन्होंने लगा रखी है दुकान यहाँ कोने में, और आरुष कह रहा आरुषी को अंकल जी ये सामान कितने का दिया पूरी एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट इन्होंने देख रखी है, दुकान लगा रखी है आरुषी ने, और पैसे इनके पास हैं, आपको बताया था कि मिनी बैंक है, मिनी बैंक वाले जो चिल्ड्रन वाले नोट होते हैं ना, चूरन चूरन नोट जो होते हैं वो लिए फिर रहे कई दिन से, और उन्हें बार बार काउंटिंग करें उनकी, तो इस हिसाब से जो है पैसे गिनना तो सीख ही जाएंगे कम से कम तो उन्हीं के लेन देन में ये इनका व्यापार चल रहा है इधर कोने में, यहाँ पे दुकान लगा रखी है। और गाइस हमारे नए घर में फिर से काम चालू हो गया है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपके साथ में रिवील करेंगे, शेयर करेंगे सब चीज़ें क्या क्या हम लोग अब वहाँ पे करवाने वाले हैं। और बस जी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और कल से यही आशा उम्मीद है कि अपने आप से मुझे और आप सबका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, और मैं कल से फिर से अपने उसी रूटीन पर, सुबह का ब्रेकफास्ट फिर लंच और पूरा दिन ऐसे ही मस्त हो गए, कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, परिवार में काम करने में सब कुछ कि सबसे मिलने जुलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन एक हफ्ते में तो ज़िंदगी पता नहीं कैसी हो रही थी मेरी बढ़िया जीव हो रही थी,
बीमारी के कारण। तो चलो जी, कल फिर करेंगे एक नए दिन की नई शुरुआत, और भगवान से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही शुरुआत हो, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के साथ में, और साथ में आप सबकी भी। तो कल फिर मिलेंगे, व्लॉग बनाने की फुल डे का कोशिश करेंगे कि कल से सही रूटीन का व्लॉग बने, और आपसे मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ में, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको हमारी राम राम।